फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशु। अंशु किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे छठ स्पेशल ठेकुआ। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी मैदा लेंगे। जिस कटोरी से हम मैदा लिए थे उसी कटोरी से हम दो कटोरी आटा लेंगे। फिर हम आधा कटोरी हम सूजी लेंगे। एक कटोरी हम नारियल का बुरादा लेंगे। आधा कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा हम चीनी लेंगे। अब हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 5 चम्मच घी डालेंगे। इसको हमने अच्छा से मिला दिया है। ये अब हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे हम सख्त डो बना लेंगे। अब ये डो हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसका हम छोटा छोटा डो बना लेंगे। और इसका हम एक डिज़ाइन बना देंगे इसमें। अगर आपके पास साँचा है तो आप साँचा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बना के देखो, लो तुम भी बना लो। गोल करो, गोल करो अच्छे से, ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे ऐसे करके गोल करना है इसको। अच्छे से गोल करो, पहले तुम गोल करो बढ़िया से, ठीक है? गोल की कहाँ हो गया? अब बना बना, ठीक है? चपटा करो और चपटा करो और थोड़ा चपटा करो। हाँ, अब इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे। हाँ, एक दो तीन चार, बस हो गया। रखो रखो, ठेकुआ का डो को हमने रेडी कर लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। को अधिक गर्म नहीं करना है, ये लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम पकाएंगे। पहले इसे हम छोटा सा ये डाल के चेक करेंगे। ये नहीं हुआ है, तेल को और थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है, अब इसे हम तेल में डालेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरे साइड से भी पकाएंगे। ये अब पक चुका है, अब इसे हम तेल से निकालेंगे। इसी तरह से हम बाकी के सभी ठेकुआ को फ्राई करेंगे। Thank you.
उम्मीद करते हैं आपको ये छठ स्पेशल ठेकवा की रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।